हे गाइस, आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता होगा। क्लाइंट डायरेक्टली आ जाते हैं, टाइम नहीं देते, 10 to 15 मिनट पर रेडी होना रहता है। आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आप देख सकते हो कितने डैमेज, कितने ड्राई हेयर थे, प्रिपरेशन का भी टाइम नहीं था। सो मैंने जस्ट क्या किया, सारे ड्राइनेस को, बेबी हेयर को कवर करने के लिए सबसे पहले अच्छे से साइन स्प्रे को अप्लाई किया। देन हेयर स्टाइल के अकॉर्डिंग मैंने अच्छे से उसको टेंगल फ्री कर दिया, पार्टीशन को सेपरेट कर दिया। यहाँ पे मैंने वर्टिकल सेक्शन लिए, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। देन उसके बाद वन वर्टिकल सेक्शन लेते हुए यहाँ पे बड़े वाले 32 नंबर के टोंग से फ्रंट से मैंने कर्ल करना स्टार्ट किया। मैंने यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर का टोंग्स मशीन यूज किया है, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे हेयर का ग्रोथ भी नहीं है, हल्का सा बाउंसी लुक भी चाहिए। सेकंड मुझे चाहिए था लेंथ, बिकॉज एवरी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है लेंथ मेंटेन होनी चाहिए। इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप ऊपर वाले पोर्शन में थोड़ा सा शॉर्ट लेंथ रखा है, जैसा जैसा पीछे आ रही हूँ लेंथ को बढ़ा रही हूँ, और एवरी कर्ल को मैं सेक्शन क्लिप से होल्ड कर रही हूँ ताकि वो अच्छा सा शेप पकड़ ले। सेम ऐसी ही चीज मैंने अदर साइड भी वर्क किया। एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे मैं ओनली एंड ओनली शाइन स्प्रे ही यूज कर रही हूँ और बार बार कॉम कर रही हूँ ताकि फिनिशिंग आ जाए अच्छे से। उसके बाद सारे सेक्शन क्लिप को ओपन कर दिया है एंड अच्छे से पेडल ब्रश से मैं उसको सेट कर रही हूँ। आप देख सकते हो 10 to 15 मिनट में कितना प्यारा, कितना सॉफ्ट और कितना बाउंसी लुक लग रहा है। आपको मेरा ये काम अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना। थैंक यू।